हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास इन साइंस फॉर क्लास नाइन्थ। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बायोलॉजी चैप्टर फॉर यू पीपल। यू नो दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर्स इन फिजिक्स सेक्शन एंड केमिस्ट्री सेक्शन। यू हैव ऑलरेडी डन टू चैप्टर्स इन योर फिजिक्स पार्ट, वन चैप्टर इन योर केमिस्ट्री पार्ट, एंड दिस वन विच इज गोइंग टू बी a biology chapter for you. The chapter name is the fundamental unit of life, which is all related with cells and the cells present in our body as well as the plants' bodies, etc., and the function of cells and many more. So come on, let's start chapter number 5, the fundamental unit of life. Chapter number 5, the fundamental unit of life in your textbook. So first of all, I will like to ask you people, what are living organism made up of? ये सारे living organism किस चीज से मिलकर बने हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको बनाने वाला जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है सेल। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर किसी चीज से बने हैं तो वो होता है सेल। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये सारे सेल्स से ही बने होते हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में कई कैटेगरीज हैं। यानी कि सेल को सारे सेल एक तरह के नहीं होते। सेल्स के डिफरेंट शेप हैं, साइज हैं, फॉर्म्स हैं। कुछ सेल्स तो बहुत छोटे हैं जबकि कुछ सेल्स काफी बड़े हैं। तो जो छोटे सेल्स हैं, जो बहुत छोटे सेल्स हैं, उनको हम नेकेड आईज से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें जरूरत पड़ती है इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। आप देख रहे हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो कि ये जो क्लिप है माइक्रोस्कोप स्लाइड का, यहां पे हम किसी भी चीज को रखते हैं और ऊपर आईपीस से देखते हैं तो उसका एक मैग्निफाइड इमेज हमें देखने को मिल जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट के साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अगर इससे भी बड़ा इमेज आपको देखना हो तो एक और एडवांस माइक्रोस्कोप चलता है, एंड दैट एडवांस माइक्रोस्कोप इज योर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो आइए हम देखें। सबसे पहले जिस सेल को देखा गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था ऑन अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क एक तरह का लकड़ी होता है, तो उसमें उसने पहली बार सेल को देखा था। और देखिए ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर थे, हेक्सागोनल साइज के, जो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थे। और ये जो बीच में छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं, ये डॉट्स और कुछ नहीं बल्कि सेल्स के न्यूक्लियस हैं। तो ये है सेल्स जो पहली बार रॉबर्ट हुक के द्वारा माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया गया था। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने पीछे अभी देखा, ये स्ट्रक्चर्स कुछ और नहीं बल्कि ये सेल्स थे जिनको माइक्रोस्कोप से देखा था सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने। तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, और ये टाइम था 1665, जो कि एक कॉर्क स्लाइस में पाया गया था। उस वक्त माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस नहीं थे, एक प्रिमिटिव पुराना जो माइक्रोस्कोप था लीवेनहॉक कहलाता था। उस जो पुराने माइक्रोस्कोप थे उनसे ये देखे गए थे, और लीवेनहॉक ने थोड़ा सा बाद में इस माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया था, और वहां उसने फ्री लिविंग सेल्स किसी पॉन्ड वाटर में जो थे उनको देखा था। बाद में रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने सेल के न्यूक्लियस को भी स्टडी किया और डिस्कवर किया। पुरकेंजी का नाम आता है 1839 में, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था, जो कि एक फ्लूडी सब्सटेंस था सेल का, यानी कि सेल के अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है एज अ फॉन्ड ऑफ फ्लूड। तो ये सारा सेल का हिस्ट्री है जो आपको यहां दिया हुआ है, आप लोग एक बार स्टडी जरूर करेंगे इनको। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग डिफरेंट शेप साइज होते हैं। ये देखिए, ये लॉन्ग शेप है, ये ब्लड सेल्स है राउंड शेप की, ये नर्व सेल है जिसका एक सेल बॉडी होता है और एक लंबा पूंछ होता है, ये ओव्यूम सेल है, ये स्पर्म सेल्स हैं, बोन सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। तो कई तरह के सेल्स आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर किसी सेल का एक शेप बन गया तो हमेशा वही शेप रहता है। हमारे पास एक सेल है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ये हमेशा अपना चेंजिंग शेप्स रखता है। इसका शेप जो है वो हमेशा वो अपना बदलता रहता है बाय द एक्शन ऑफ इट्स शीडोपोडिया। उसमें फिंगर लाइक उंगली की तरह की चीज निकली हुई होती है,
जिसे वो मूवमेंट भी करता है एंड दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज सीडोपोडिया। अच्छा, सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं जिन्हें हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल कहते हैं। ये जो सेल के कंपोनेंट्स हैं इन्हीं का नाम दिया गया सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल सेल के वो कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं और सेल के काम को चलाते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उन सेल्स के ऑर्गेनेल्स को भी बारी बारी से स्टडी करते रहेंगे। आइए अब यहां देखते हैं व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। ये सेल किस चीज के बने हुए हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है सेल का। तो मैं आपको बता दूं कि सेल जो है वो मेनली तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेल के तीन पार्ट्स होते हैं, या अगर ये एक सेल है हमारे पास में, तो ये सेल का सबसे अपर पार्ट जो कहलाता है वो मेम्ब्रेन पार्ट है, जिसने इस सेल को कवर कर रखा है। सेल के बीच में कहीं पे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, ये सेल का दूसरा पार्ट होता है। और सेल के अंदर में ही एक लिक्विड भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, जो कहलाता है साइटोप्लाज्मा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी सेल को बनाने के लिए हमें ये तीन चीजों की मेन जरूरत होती है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। अच्छा, ये तो आप जो देख रहे हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन देख रहे हैं, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये हर सेल में पाया जाता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। लेकिन अगर हम बेसिकली एनिमल सेल का बात करेंगे तो वो डबल लेयर्ड होता है, यानी कि उसमें एक और मेम्ब्रेन का लेयर इस तरह का पाया जाता है। और ये जो नया आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं आपके सामने में बन रहा है, जिसमें बीच बीच में गैप भी है, चीजें अलाउ करे सेल तक पहुंचे, तो ये जो एक नया तरह का मेम्ब्रेन बन जाता है, इस नए मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेल वॉल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही पाए जाते हैं, मगर एनिमल सेल के अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही पाया जाता है। इसीलिए जो एनिमल सेल्स होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जबकि सेल वॉल डबल मेम्ब्रेन है, इसलिए वो प्लांट सेल जो है वो हार्ड और टफ हो जाते हैं। तो सेल के बनाने वाली चलिए तीन चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा। इन्हीं को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, फिर इस चैप्टर का जो नोट्स है वो भी आपको दिया जाएगा। तो आपने देख लिया कि सेल किस चीज से मिलकर बना है, तो उसके तीन मेन पार्ट्स हैं जो उसके स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं। सबसे पहले पार्ट पे हम आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। देख रहे हैं कि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल का, जो सेल के अंदर की चीजों को बाहर की चीजों से सेपरेट करता है, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट से उसको अलग करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ढेरों काम है। कोई भी चीज सेल के अंदर जाएगा या सेल से बाहर निकलेगा, ये देखने का काम कि क्या अंदर जाएगा या क्या सेल से बाहर आएगा, किसको परमिशन दिया जाए सेल के अंदर जाने के लिए और किसको रोक दिया जाए, ये काम करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यही कारण है कि हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सेलेक्टेड चीजों को ही सेल के अंदर जाने देता है या उसको बाहर निकालता है। तो देखिए, सेल का ये जो मूवमेंट कराने का काम होता है सेल के अंदर चीजों का, उसके पीछे कुछ पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, कुछ रोल या कुछ फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं। उन रोल्स को हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो मेन और फॉरमोस्ट रोल है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैसेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, या आप यूं कह लें कि मटेरियल्स आपस में इंटरचेंज होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास दो डब्बे हैं, एक में हाइड्रोजन गैस है, एक में ऑक्सीजन गैस है, उन दोनों डब्बों के ढक्कन को खोल दें हम, ये देखिए, अगर हमारे पास ये एक डब्बा है जिसमें ऑक्सीजन गैस है और एक दूसरा डब्बा है इसमें हाइड्रोजन गैस है, इनमें ये ढक्कन लगे हुए हैं। अगर इन ढक्कन को हम खींच दें और इनको ज्वाइन कर दें, तो बहुत सारा ऑक्सीजन इधर की ओर जंप करेगा और बहुत सारा हाइड्रोजन इधर को निकलता चला जाएगा। तो ये जो गैसेस हैं वो इंटरमिक्स होने लगेंगे, एक्सचेंज करने लगेंगे अपनी पोजीशन को। इसी फंक्शन को हम लोग डिफ्यूजन का नाम देते हैं। तो सेल में भी यही होता है। सेल है, सेल के बाहर बहुत सारा फ्लूइड है जो फ्लो हो रहा है, वाटर है, ब्लड है, ब्लड के साथ बहुत सारा चीज आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, CO2 आ रहा है, N2 आ रहा है। तो ये सेल को सोचना है कि इसमें से किस चीज को मुझे अपने अंदर खींच लेना है। तो अगर वो ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी कि ऑक्सीजन अपनी पोजीशन को चेंज करके सेल में चला आता है, इसलिए हम इस प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन दे सकते हैं।
तो इस तरीके से सेल जो है वो डिफ्यूजन का काम करते हैं, सेल के अंदर डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन के अलावा एक और प्रोसेस होता है सेल के अंदर में, और उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें लिक्विड मटेरियल, डिफ्यूजन को तो ज्यादातर हम गैसेस से ही रिलेट करते हैं, ऑस्मोसिस को ज्यादातर लिक्विड से रिलेट करते हैं, मगर ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है क्योंकि उसमें भी चीजों का, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, इंटरचेंज होता है। तो ऑस्मोसिस में लिक्विड मटेरियल क्या होता है, या तो सेल के बाहर एंटर होता है या सेल से बाहर निकल जाता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जिसका काम होता है आधा परमिशन देना, यानी कि अगर वो आने का परमिशन देगा तो जाने का परमिशन नहीं देगा, और अगर वो जाने का परमिशन देगा तो आने का परमिशन नहीं देगा। तो इस तरह से वो हाफ परमिट करता है फ्लो, किसी भी चीज के फ्लो को, इसलिए हम उसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का नाम भी देते हैं। तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है कि प्रेशर होता है, जैसे कि ये एक सेल है आप देख रहे हैं, इसके चारों तरफ एक लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है, तो मान लो कि सेल के अंदर वाटर, सेल के अंदर भी और वाटर सेल के बाहर भी है, तो क्या और वाटर इस सेल के अंदर चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किधर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और किधर का कम है। अगर सेल के अंदर पानी कम है, यानी कि इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ठीक है, सॉरी वाटर तो ज्यादा हो गया इसके अंदर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर लो है तो क्या होगा, वाटर ज्यादा वाले पोजीशन से कम वाले पोजीशन में मूव कर जाता है। तो अगर इस सेल के अंदर वाटर कम है तो वाटर इधर से इधर मूव कर जाएगा, और अगर वाटर इधर कम है, सेल के अंदर ज्यादा पानी है, तो फिर ये इधर निकल जाएगा। तो देखिए जब भी वाटर सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, लेकिन क्या होगा अगर सेल बाहर निकल आए, सेल से वाटर बाहर निकल आए, तो ये सेल सिकुड़ जाएगा, दब जाएगा। तो इस तरह से इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन का फेनोमेना भी होता है जो ऑस्मोसिस का देन है। अब वाटर अगर इधर से इधर जा रहा है तो वाटर के जाने का प्रेशर हाई है, इस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर, जो लिक्विड को फ्लो कराता है, जिस प्रेशर से लिक्विड फ्लो होता है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी चीज का हाई है तो वो कहलाता है हाइपरटोनिक। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपरटोनिक, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब हाइपोटोनिक। ये नाम आ रहे हैं हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। तो जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो हाई वो हाइपर, और जिसका लो ऑस्मोटिक प्रेशर हो हाइपोटोनिक। क्या होगा अगर दोनों प्रेशर सेम हो जाए? तो अगर दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तब उसे एक नया नाम दिया जाएगा, और वो नया नाम होगा आइसोटोनिक। आइसो का मतलब होता है सेम। तो इस तरीके से आप देख पाते हैं कि मूवमेंट जो होता है सेल के अंदर चीजों का, वो ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। डिफ्यूजन एक ब्रॉड टर्म है जो हर चीज के लिए अप्लाइड हो जाता है, इसलिए ऑस्मोसिस चूंकि सिर्फ लिक्विड से तक सीमित है तो ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन का एक स्पेशल केस मान लेते हैं, विच इज ओरिएंटेड टू द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द सेल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से लिक्विड के अंदर फ्लो होता है, गैसेस का या वाटर का। आइए अब हम लोग जानते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, जैसे मैंने बताया कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है, और ये प्लांट सेल को सपोर्ट देता है, उसको एक फिक्स शेप देता है, उसको एक रिजिडिटी देता है। और ये बना किस चीज का होता है? तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, उससे बना होता है। तो ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका भी काम होता है चीजों को बाहर लाना और ले जाना, यानी कि मटेरियल सिर्फ प्लांट सेल के अंदर आएगा या नहीं आएगा ये सेल वॉल डिसाइड करता है। और जब सेल के अंदर, जब भी कोई प्लांट सेल बहुत सारा पानी लूज कर देता है ऑस्मोसिस के थ्रू, तब वो सेल श्रिंक हो जाता है, और सेल वॉल तो छोटा रह जाता है। तो सेल जो श्रिंक होता है तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सेल वॉल से दूर हो जाते हैं, यानी कि सेल का जो श्रिंकेज का प्रोसेस है, सिकुड़ने का प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो याद रखिएगा, प्लाज्मोलिसिस तब होता है जब सेल से वाटर बाहर निकल आता है। तो इस तरह से
चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो या सेल वॉल हो, उनका काम होता है चीजों को सेल के अंदर लाना और छोड़ देना। अब न्यूक्लियस की हम बात कर लेते हैं। दूसरा ऑर्गेनेल है न्यूक्लियस। आप लोगों ने देखा था न्यूक्लियस क्या था, जो सेल था हमारा उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि कौन सा फीचर जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर करना है इसका काम देखता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस ही वो चीज है जो सेल डिवीजन, यानी कि सेल को बटना, जब बटने का काम होता है, यानी कि एक सेल दो अलग अलग भाग में बट जाता है। जैसे ये एक सेल है तो ये डिवाइड होकर जब दो अलग अलग सेल्स में बट जाता है तो ये जो सेल है इसको हम कहते हैं पैरेंट सेल, और ये जो दो नए सेल बने हैं इनको हम कहते हैं डॉटर सेल। तो पैरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, तो ये डिवीजन का काम भी न्यूक्लियस कराता है। जो न्यूक्लियस इस बीच में था वो इसका कुछ पार्ट तो इसमें डिवाइड हो जाता है और कुछ पार्ट इसमें डिवाइड हो जाता है। तो डिवीजन के दौरान इसका जो प्रॉपर्टी था वो इनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है थ्रू दिस न्यूक्लियस, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस सेल डिवीजन में बहुत ही काम आता है। तो आपके पास न्यूक्लियस का जो काम होता है वो सेल के फंक्शनिंग को देखना होता है, सेल को डिवाइड करने का काम होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसके बगैर न्यूक्लियस का सेल का कोई भी काम नहीं चल पाएगा। अब जहां तक न्यूक्लियस का बात है तो न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग तरह के सेल्स में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। जैसे कुछ सेल्स तो ऐसे होंगे जिनका कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं होगा, कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियर रीजन नहीं होगा, उनका जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर मेम्ब्रेन कोई नहीं चढ़ा हुआ होगा। तो जिन सेल्स के अंदर ये मेम्ब्रेन नहीं चढ़े हुए होते वो कहलाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ऑलमोस्ट 10^-6 मीटर, जो एक माइक्रोमीटर है वो सिर्फ 1 से 10 तक। लेकिन जिनके सेल्स प्रॉपरली हैं, वेल डिफाइंड है, उनका पता है न्यूक्लियस कहाँ है, दूसरे ऑर्गेनल्स कहाँ है, जो सब क्लियर है जिसका शेप साइज, वो कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। और इसका साइज भी बड़ा होता है, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, जबकि इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है। इसमें एक सिंगल क्रोमोजोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन नहीं चढ़ा हुआ होता, जबकि इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, दो तरह के सेल्स भी हमारे पास हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। मगर न्यूक्लियस सब में पाया जाता है, चाहे ये हो चाहे ये हो। इसमें वो क्लियर नहीं होता कि न्यूक्लियस कहाँ है, इसमें क्लियर होता है कि न्यूक्लियर रीजन कहाँ है। और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स ही वो हेरिडिटरी मटेरियल है जो सेल के साथ ट्रांसफर हो जाते हैं, और ये क्रोमोजोम्स बने होते हैं डीएनए के, और डीएनए के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम कहते हैं जीन्स। इसी जीन्स में फीचर होते हैं और जीन्स के साथ चले जाते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स तक, उनके डॉटर सेल तक फीचर्स ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन थी न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग जरा साइटोप्लाज्मा को देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। तो जैसा मैंने बताया था कि जो सेल होता है, सेल के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मा। इसी लिक्विड में अलग अलग जगहों पे कई सारी चीजें, जो सेल की चीजें होती हैं, वो डिप्ड होती हैं, वो इन्हीं के अंदर डिप घुसे हुए होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडीज हो, राइबोसोम्स हो, तो ये सब इसके अंदर डिप्ड होते हैं, प्लास्टिड्स हैं, वो डिप्ड होते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो मटेरियल बीच में पाया जा रहा है ये साइटोप्लाज्मा है, ये सबको जगह देने का काम करता है। तो आपका जो साइटोप्लाज्मा है वो सबको अपने अंदर डिप करके रखता है, जिसके अंदर आसानी से कोई भी सेल ऑर्गेनेल काम कर पाते हैं। तो इस तरह से सेल हमारा तीन पार्ट में बटा हुआ था, एक तो उसके ऊपर का मेम्ब्रेन, फिर उसके बीच का लिक्विड, और फिर सेंटर के अंदर में न्यूक्लियस। तो हम लोग आज की क्लास को तो यहीं पर रोकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट में हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको बताएंगे कि सेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, और वो जो पार्ट्स हैं उनके मेन फंक्शंस क्या हैं, ये सारा चीज हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। आपको क्लास 8 के अंदर बताया गया था एनिमल सेल बनाना, तो ये देखिए एनिमल सेल का पिक्चर है, आप अपनी कॉपी में जरूर बना लीजिएगा, और इसका लेबलिंग करना कौन कौन सा चीज किस किस तरह का है ये आपको कर लेना है। ऐसे ही प्लांट सेल का भी लेबलिंग आपको बताया गया था,
छोटी क्लासेस में। तो ये देखिए प्लांट सेल का पिक्चर आपके सामने है। इस पिक्चर को देखते हुए आपको अपनी कॉपी में एक प्लांट सेल भी बना लेना है और उसको लेबल भी कर लेना है कि प्लांट सेल में कौन कौन सी चीज पाई जाती है। तो जो नेक्स्ट क्लास मैं इसका कल रखूंगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगे का सेल ऑर्गेनल क्या होगा। और बच्चों इसका पूरा नोट्स तैयार हो चुका है, आप देख रहे हैं, ये आपका बायोलॉजी चैप्टर 5 है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका नोट्स तैयार हो चुका है आपके पास में, हम इसका पिक्चर खींचकर आपको भेज देंगे। और आप एक काम कीजिएगा, इस पूरे नोट्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ये देखिए पेज नंबर वाइज जब पिक्चर आपके पास पहुंच जाए तो आप जरूर से जरूर इनको लिख लीजिएगा। तो काफी लंबा है क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन है, लिखना भी पड़ता है, काफी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है। तो इस नोट्स की मदद से आप आसानी से चैप्टर की हर चीज को, हर पॉइंट को याद कर पाएंगे। ये देखिए ये नोट्स आपका इस चैप्टर का बन चुका है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि कल जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो साथ साथ आप लोग इसके नोट्स को भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ये देख रहे हैं आप, तो ये नोट्स मैं आपको आज ही भेज दूंगा, आपको आपके ग्रुप के अंदर में मिल जाएगा वीडियो के साथ में। आप इस नोट्स को अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा, मोबाइल में मत छोड़िएगा क्योंकि मोबाइल से तो डिलीट हो जाते हैं, तो आप अपनी कॉपी में जरूर कर लीजिएगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग हमारे पढ़ाई हुई चीजों को समझ पा रहे होंगे। और जब भी स्कूल खुलेंगे तो अगर जिसके पास भी कोई डाउट हो तो वो स्पेशली वहां पूछ सकता है, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में वो मुझे डायरेक्टली भी क्वेश्चन इसमें यूट्यूब के अंदर में डाल के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपके क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर दूंगा। तो टिल देन टेक केयर, बाय।